नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का ब्लॉग जो है बहुत ही हटके होने वाला है, अलग होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पर देख सकते हैं ये लड़का लोग जो है बच्चा सब क्या क्या ला रहा है। पहले यहां दिखाओ क्या चीज़ है, ये देखिए ये जो ताड़ का होता है ना, ये तो अभी टुकड़ा फटा हुआ है, लेकिन जो अच्छा वाला होता है वो अंदर में दिया गया है और उसमें जो है चारों तरफ से गोईठा और इसी का जलावन जो है लकड़ी वगैरह आग के अंदर दिया गया है। ताड़ का जो होता है, ताड़ फल जो होता है, रुकिए हम बताते हैं। उठो लाओ तो उठो, वहाँ जो ताड़ है बड़ा वाला ताड़ हाँ लाओ दिखाते हैं, तब समझ में आएगा ऑडियंस को कौन सा क्या चीज हम समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब इसको खाया जाता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हलवा इसके सामने में फेल हो जाएगा। यहाँ लाओ, यहाँ ये देखिए ये लड़का ला रहा है। रखो वहाँ। ये देखिए यही है ताड़ फल जो कि आप देख रहे हैं, ताड़ का वृक्ष, यहाँ पर ताड़ का पेड़ और यही है ताड़ का फल। तो यही जो है सूख जाता है जब इसी तरह से, तो उसमें अंकुरित हो जाता है गजू, वही सब उखाड़ के बच्चा सब जो है यहाँ पर लाया। हम भी ट्राई किए, भी खा के देखे, बहुत ही स्वादिष्ट लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि ताड़ का फल किस तरह से खाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आग लगा हुआ है, उसके नज़दीक हम नहीं रहेंगे क्योंकि वो जो है ब्लास्ट करता है, फूट भी जाता है, तो फूटने के बाद जो है उसमें से पड़ जाएगा तो हाथ पैर भी जल सकता है, इसीलिए हम लोग दूर में ही रहेंगे। जब पक जाएगा तब बाद में उसका आग हटा के और निकाल के और आप लोगों को दिखाते हैं लाइव किस तरह से इसमें खाने लायक स्वादिष्ट निकलता है, जो कि हलवे से भी बेटर लगता है, एकदम मक्खन जैसा लगेगा खाने में, इतना स्वादिष्ट मीठा। तो चलिए पहले इसको पकने दीजिए, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अब देखिए 10-15 मिनट लगभग हो चुका है और पक चुका है और ये लड़का दूर से ही जो है इसको निकाल रहा है उधर साइड में, और एक दो फूटा भी आवाज़ भी किया जोर से, फट फट आवाज़ करता है। तो ये थोड़ा ख़तरनाक है, बट थोड़ा अगर अच्छे से जान बचा के अगर सेफ्टी के साथ किया जाए तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये निकाल रहा है, उधर साइड कर रहा है और उसके बाद जब ये इसको फोड़ के और निकालेगा तब आपको दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए अभी ये लड़का जो है फोड़ के और निकालेगा इसको, देखिए किस तरह से पटक पटक के पत्थल से, क्योंकि ये बहुत ही टाइट होता है, नारियल से भी हार्ड होता है। तो देखिए निकल चुका है कितना अच्छे से, और ये देखिए ये लड़का भी निकालेगा, देखिए इसके अंदर में क्या मस्त है और हलवे से भी बेहतरीन लगता है खाने में। देखिए किस तरह से खड़ा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ये भी फोड़ेगा, ये फूटा है जो निकला हुआ है और इसके अंदर अभी निकलेगा। चलो खाओ और बताओ इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, गरम गरम है, नरम नरम है, खाने में बेहतरीन। हम भी खा के देखे थे, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। विक्रम खा के बताओ टेस्ट कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है? बहुत बढ़िया मीठा बहुत लग रहा है, हलवा से भी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, हलवा से भी ज़्यादा बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए और आप कभी ट्राई कीजिएगा, खा के देखिएगा, आपको सच में ये जो है एकदम मलाई जैसा लगेगा खाने में, इतना मस्त लगेगा। देखिए ये फिर से फोड़ा है, तो इसी तरह से फोड़ फोड़ के और इसको निकाला जाता है। तो हमारे गाँव देहात में जो है छोटे छोटे बच्चे सब जो है इस तरह से इसका जो है उपयोग करके और खाते हैं। निकलो, देखिए इसमें भी पूरा भरा हुआ है और इसका कलर व्हाइट कलर का है, और खाने जब यह पक जाता है तो खाने में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। देखिए किस तरह से देसी जुगाड़ लगा के और चम्मच का प्रयोग करके और किस तरह से निकाल के और ये खा रहा है, बड़े ही मज़े से खा रहा है। देखिए और ये भी, ये मंगल पांडे भी निकाल दिया है इधर और इसको खाएगा भी गरम गरम, क्या खाने में मस्त लगता है, तभी तो खाते हैं बच्चे चाव से। हम भी खा के देखे, बहुत ही टेस्ट आया। छीन के खाया है, हम तो छीन के खाया है सबका, भाग भाग के खाया है। यहाँ पर बहुत सारा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये फोड़ फोड़ के और इस तरह से खाएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर आग लगाया गया था और ये पक गया है, अंदर में पक चुका है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कभी अगर होगा तो। अरे बाबा ये देखिए कैसे ये कैसे सोए से आवाज किया, देखिए ये जानबूझकर मेरे ऊपर फेंक दिया था मुझे डराने के लिए, मैं भी डर गया कि ये सच में फूटेगा क्या, सोए आवाज किया था। ये लड़का थोड़ा शैतान भी है,
देखिए कैसे फोड़ फोड़ के और तैयारी इसका करके निकाल के और अंदर का खाया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ब्लॉग आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप तक पहुंचती रहे। आप तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खाइए और खवाइए, मेरा आधो तरह नहीं भाई।